हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानक मो चैनल अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। देखो मोर लैपटॉप डाली रू कौन बनाऊँ गोटे बहुत ही सुंदर रेसिपी जोटा कि आपड़ निश्चय ट्राए करेंगे आ बहुत ही बढ़िया लगे। मुझे जानी पूरा अथेंटिक होता कि ना, कि टेस्ट तो पूरा जबरदस्त होता। ये देखो भेंडी को मुझे धोईकी, कहीं भेंडी को धोईकी ही कटा जाए, ना भेंडीर जो लाल थाए का सारी धोले पूरा लाड़ुआ हो, पूरा चिपचिपा हो, रोसे भी कला बेले पूरा मानने खंड खंड हो। तो आप सब भेंडी को धोईकी ही काटे, सब पर धोईकी काटा ही दरकार, ना तार न्यूट्रिशन कमी जाए धोला काटिकी। तो ये देखूँ भेंडी सब को काटी नहीं गली। तापर मु वेजिटेबल्स रे नेइछि हमर कखारु भेंडी आउ सजना छुई टमाटो, बस एति। आपण चाहिले आलू भी ऐड करि परिबे, आउ जदि चाहिबे ताहाले आपण भेंडी को भी स्किप करि परिबे। आपण आपण को चॉइस हिसाब रे रेसिपी रे वेजिटेबल्स ऐड करि परिबे। किछि लोक हिंट पाइ जेबेनी जे मु कोन बनाऊ छी बोली, किंतु जो मैंने जानी ना मुझे सेमान को पाई आउ टिके सस्पेंस रखुची। तो ये देखो मु सब कखारु को भल से काटिदेवी टिके बड़ बड़ खंडे, जमी आम डालमार पड़े से भाया कखारु को काटि नहीं। जेहेतु मानने चोपा लगा कखारु अच्छी तो मु तार सरी जो कंचा कखारु अच्छी तो मुझे तार चोपा को छड़ेनि। आप चाहिए छड़े पारे आपण चॉइस हिसाब से। तापर ये सजना छुई को मध्य काटि नहीं जाऊँ, आ सजना छुई को काटिकी आम पानी रे ही पकेबा। मु एठी सुखिलार रखि दउजे, तापर सांगे सांगे पानी ऐड कर देथिलि, नहले छुईटा राहिया हो जाए। तो ये देखो छुई को चोपा छड़े कि भल से मानने बेसी बड़ करनी साइज कि बेसी छोट करनी, ताको सब काटिकी पानी रे पके दबा। तापर ये मुझे पियाज गोटे बड़ साइज़ आपण पाखे जब उल्ली पियाज थी छोट छोट तो आपण से आड करेंगे, बहुत ही बढ़िया मानने फ्लेवर आसो आ टेस्ट आसो। जेहेतु एबे सेटा अवेलेबल नाही तो मु एई बड़ पियाज रे ही बनाऊँची। ये देखो पियाज गोटे बड़ साइज़ पियाज को मुझे स्लाइस करके काटिकी नहीं जाऊँगी, आ गोटे बड़ साइज़ टमाटो भी मुझे टमाटो को धोईकी आम काटिद। टमाटो को तो काटि सर धोईपर ना, तो प्रथम धोईकी काटी टमाटो को से लंबा लंबा स्लाइस कर ही काटी। बेसी मानने छोट कर किसी आवश्यक ना। ये देखो टमाटो सब काटि सारापर तापर आम कुकिंग प्रोसेस आरंभ करवा। ये मुझे तेल दे दीजिए सोरस तेल कि अल्प, से सुखिला लंका तीनो फुटण कली, से पंच फुटण देदेली गोटे टी स्पून, हिंगू देदेली गोटे पिंच। हेंगू दबा द्वारा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आसे, बास्ना बहुत ही सुंदर आसूला हेंगू पकला। तापर ये मुझे स्टोर करके रखे सब बड़े भृसंग पत्र, जेहेतु गच्छ ना तो स्टोर कर रखा पड़े, आ फ्रेश भी रुहे। ये देखो एयर टाइट कंटेनर में रखिले फ्रेश भी रुहे, तार जो डेम्फ को छड़ेगी। ये देखो भृसंग पत्र पकईदेली, तापर आम टे सटे करपर आम से आड करवा पियाज। पियाजर क्वांटिटी टिके अधिका रहिबो, जेहेतु आम बनाऊे गोटे साउथ इंडियन डिश तो किसी जापर आपण मैने जे मु कौन बनाऊँ सांबर ही बनाऊँ, कहीं लैपटॉप डाली रू ता भी हरड़ डाली थी तो मुझे भाविली कि सांबर बनईदेवी, आटे यूज भी हो खाइबा को टेस्ट भी लगे। ये देखु भेंडी को ऐड कर देली, प्याज को टिके हल्का भाजी देला परे से मो भेंडी को ऐड कर देली। हुए तो माने आपण मन को प्रोसेस केमिति अलग थिबो, किंतु ए मो प्रोसेस रे भी बनांतु देखिबे टेस्ट पूरा बहुत ही बढ़िया आसीबो, केना समस्तंकर खाइबा बनेबार प्रणाली अलग अलग थाए। तो ये देखंतु भेंडी टिके गोटे रु 2 मिनिट भाजी हे गला परे से मो कखारु आ सजना छुई को ऐड कर दउची, ताकु मध्ये ऐड करके आमे टिके भाजीबा भलसे। कखारुर गोटे स्मेल थाए ना, सेटा जीवा पर्यंत आम भाजवा भलसे। आई टमाटो जो काटी ताको भी ऐड कर देली। तापर ये देखो सब को आम भल भाव भाजवा, सब को भल भाव मिसई दबा। जहाँ ये मुझे छोट बर्तनटा नहीं थी तो मत प्रॉब्लम होता मिसेबार, आपड़ी खोलाड़िया बासन ने तो बहुत ही भल से आपणकर मानने सब भाजी हे भलसे, मिसेबार किसी भी असुविधा हेनी। ये मुझे पाउडर मसला दे दीजिए आम हलदी गुंड, तापर ये मुझे स्वाद अनुसार लुण आड करी। जेहेतु मोर डाली लुण थी तो मुझे खाली वेजिटेबल्स ही लुण आड करी,
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଲୁଣର କମ୍ ବେଶୀ କରିବେ। ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପରିବାର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଥାଏ ନା, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଇଟା ପୁରା ଶୁଖିକିରି ମଏଶ୍ଚର ମାନେ ଯିବ। ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା ପରିବାକୁ। ପରିବାଟା ଭଲସେ ଭାଜି ନହେଲେ କଖାରୁର ଗୋଟେ କଞ୍ଚାଳିଆ ବାସ୍ନା ଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା ଆସିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସମ୍ବର ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି 2-2.5 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ହୋମମେଡ଼୍ ସମ୍ବର ମସଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ବର ମସଲାର ରେସିପି ବି ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଥିଲି ଏଇ ମସଲାଟାକୁ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ମସଲାଟା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଡାଲିକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଡାଲିକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଟିକିଏ ମିଶାଇଦେବି ହାଲକା। ତାପରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଯେହେତୁ ଦେଲେ ଆମର କୁକିଂଟା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୋତେ ଟିକିଏ ପର୍ସନାଲି ମାନେ ସମ୍ବରଟା ଟିକିଏ ପତଳା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରା ସବୁ ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି ପରିବା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆମର। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ତେନ୍ତୁଳି ମଣ୍ଡକୁ, ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିରୁ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ତ ଟିକିଏ ଖଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଶେଷରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ସମ୍ବର। ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।